स्वागत है आपका मेवाड़ टाइम्स में। आज हम किशनगढ़ बास आए थे, उर्दू बचाओ तहरीक यहाँ से चल रही है। राजस्थान सरकार ने जो उर्दू के बारे में अलग अलग तरह के फैसले किए हैं उसको लेकर एक आंदोलन सा चल पड़ा है। मेरे साथ मास्टर साहून काटपुरी जी हैं और साबिर कासमी, आप उनको जानते होंगे। असल में वो प्रोग्राम कवर करने आए थे, लेकिन जब हम यहाँ से वापस लौट रहे थे तो ये जो मंज़र देखने के बाद हमें ये रहा नहीं गया कि ये कम से कम आपसे ये मंज़र शेयर किया जाए कि इस तरह की खूबसूरत जगहें जो जिन पे अगर थोड़ा सा भी काम हो तो बहुत अच्छा कुछ यहाँ से एक तरीके से दर्शनीय स्थल उसको कह सकते हैं, बन सकते हैं। आपने इससे पहले भी ये जगह देखी होगी और आपने मुझे बीच में भी जिक्र किया था कि ये खूबसूरत मंज़र आगे को मिलेगा देखने को। आप वाकिफ़ होंगे इन जगहों से, क्योंकि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो जो देखने वाले हैं उन तक बात पहुंचनी चाहिए कि ये किस तरह की जगह है, कौन लोग और किस तरह के लोग यहाँ बसे हुए हैं, ये कौन कौन से गांव हैं, बस्तियाँ हैं, ज़रा बताएं आप। पिछले साल मैं किसी ज़रूरी काम से किशनगढ़ बास आया हुआ था और वहाँ से मुझे एक शॉर्टकट रास्ते की तलाश थी फिरोजपुर झिरका जाने के लिए। एक साथी ने मुझे बताया कि आप इस घाटी से गुजरिए, तो जब मैं पहली बार इस घाटी से गुजरा तो मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक मेवात के एक हिस्से से गुजर मेरा हो रहा है। और इस जब घाटी से हम गुजरे तो हमें सचमुच ऐसा लगा कि हम शिमला की वादियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बहार का मौसम था। और जब मैंने यहाँ के बारे में जानकारी मालूम की तो मुझे पता चला कि यहाँ बागोड़िया लोगों की तादाद ज़्यादा है और ये बागोड़ा के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा और आपने सुना होगा, जब हम बहुत छोटे थे अपने बंगले बैठक पर घुड़चली और मेव खां के वाक्य हम बारहा सुनते थे जी। तो घुड़चली और मेव खां इस जंगल के दो ऐसे शेर थे जिनसे अंग्रेज पूरी तरीके से थर्राए हुए थे। यानी जिस जगह अभी हम इस वक्त हैं ये वही इलाका है जी, ये उन्हीं का ये जंगल है और उन्हीं की ये बस्ती है। और मैं ये दावे से तो नहीं कह सकता, हो सकता है ये पहाड़ियाँ वही हों जिनमें वो लोग कभी कभार अपना शिकार करने के बाद छुप जाते थे। अच्छा, और अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे तो हम उनका जो आबाई गांव है उससे हमारा गुजर भी होगा। और वो तोड़ेदार बंदूक और वो किस्से और अंग्रेजों की जेल से भागना और उनकी निशानेबाजी, तारीखी पस मंज़र है उसका। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि मेवाड़ टाइम्स प्रोडक्शन इन चीज़ों पर कवर करें और जो इस तरह की तारीखी चीज़ें हैं वो हमारी आवाम के सामने आ सकें, ये मैं बीच में जिक्र करता चलूं। साबिर भाई से हम मैं कुछ, जी हाँ। एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे जो दानिश्वर लोग रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग रहा है, या फिर जो यूँ कह लीजिए कि जो कलम के सिपाही रहे हैं, उन्होंने इस खित्ते के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी की, क्योंकि ये जस्ट हमसे 70-80 किलोमीटर दूर का एरिया है और यहाँ के बारे में जो यहाँ के तारीखी मंजर हैं उनसे हम पूरी तरीके से अनजान हैं, क्योंकि कलम के सिपाहियों ने इस पर रोशनी डालने की जहमत नहीं की है। बिल्कुल साबिर भाई, आप हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा हैं, अमीर साहब हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा कि कौन कौन से गाँव हमें जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। आपको बताता चलूँ, ये गांव जो आपके सामने है बिल्कुल जस्ट ये गांव मोठू का है और यहां से ये पूरा इलाका बागोड़ा पाल का जो है गढ़ है, जो अगर ओवरऑल पूरे मेवात हरियाणा राजस्थान में जहां भी मेव कम्युनिटी आबाद है उसमें अगर कहीं बागोड़िया जो लोग हैं तो उनका जो गढ़ है वो ये इलाका है जो आपको नज़र आ रहा है। और असल गढ़ जो है वो मिर्ज़ापुर है, चौंडावता है, वही इस जिस रोड ये जो है मिर्ज़ापुर रोड के नाम से ही ये जी मिर्ज़ापुर भी जाता है। और जो है जो चौंडावता गांव है वो मेव कम्युनिटी के जो दो हीरो रहे हैं गुड़चड़ी और मेव खां, उनका गांव चौंडावता है। और ये इलाका पार्टीशन के बाद बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जो हालात आए थे और बड़े गंभीर हालात और पुराशोभ हालात से ये वो इलाका है जहाँ ज़्यादा आबादी यहाँ से नकल मकानी कर जो है पाकिस्तान मुंतकिल हो गई थी। और ये ज़्यादातर जैसे धमूकड़ है सामने, घाटी का है, ये सारे और इसी तरह जो है बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन ये आप जितना भी ये इलाका दिख रहा आपको ये बागोड़ा पाल यहाँ से जो है शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा उसी गोतपाल का ये गढ़ है। सामने जो वो पहाड़ दिखाई दे रहा वो वही अरावली रेंज है, सामने जो पहाड़ है वो उसी जिसको हम काला पहाड़ कहते हैं
उससे अगले है और उससे अगला जो नौगावा होकर निकलता है। तो ये एक तरीके से ये पहाड़ियों का पूरा इलाका है, ये मेवात के बीच में ही। जी जी, ये कहिए कि ये पूरी वादियों का शहर है और वादियों का इलाका है और चारों तरफ इसमें पहाड़ी पहाड़े। इसलिए हम देखते हैं कि हर जगह घर दिखाई दे रहे हैं, पूरा गाँव जैसी सूरत हाल नहीं है लेकिन हर जगह घर बने हुए हैं। दरअसल क्या है कि राजस्थान में जो ढाणियों में आबादी रहने का थोड़ा रवाज है और यहाँ लोग अपने खेतों में आबाद रहकर ज़्यादा खुश होते हैं और चूंकि वो आबो हवा अच्छा, पानी है, फिज़ा अच्छी है, तो इस वजह से गाँव के छोड़कर लोग जो है ज़्यादातर जो है ढाणियों में की शक्ल में रहने पर ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये इस तरीके से हम आगे यही रास्ता जो है नौगावा पहुँचेगा और फिर फिरोजपुर जा सकते हैं इसी रास्ते से। जी जी, ये पूरे बीचों बीच बाघोड़ा का इलाका है और इसके बीचों बीच से ये जो है रोड तामीर हुआ है और अच्छा बढ़िया रोड जो है यहाँ से सीधा जो है नौगावा और नौगावा से मुबारकपुर होते हुए। बिल्कुल, एक बात और कहने से रह गई है, ये वो इलाका है जिस इलाके के दो जो मेव कौम के एक सपूत थे, गुड़चली और मेव खां, इन लोगों की कहानी और किस्से सुनाने के एवज में हमारी यानी कि जो हमारी कम्युनिटी के जो सब कास्ट हैं जिनको हम नट मीरासी और दूसरा नाम देते हैं, उन लोगों का एक तरीके से जरिया मास रहा है कि वो उनका मरसिया और उनके बहादुरी के किस्से जब हमारी बैठकों पर होते थे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और इनाम स्वरूप उनको जो राशि मिलती थी उनसे उनका गुजारा होता था। लेकिन अब डिजिटल का ज़माना आ गया है और लोग अपने घरों में बैठकर मोबाइल पर सब कुछ सुन लेना चाहते हैं, इसलिए भी इस एरिया को नज़रअंदाज किया गया है। जो कि इसको अहमियत दी जानी चाहिए थी वो पार्टीशन के बाद नहीं दी गई और ये इलाका उन दो सूरमाओं की ये कह लीजिए कि उनसे खुंदक के बिना पर, यानी कि एक तबका था जो अंग्रेज़ों का एक तरीके से जो ग़ुलाम था या फिर अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू रहे हैं, उन लोगों ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया है और आज़ादी के बाद से तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इस इलाके की अनदेखी की गई है। कहीं ना कहीं इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस पूरे इलाके पे तारीखी हवाले से। बिल्कुल, इस पर काम करने की ज़रूरत है, ये एक कह लीजिए कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, और यहाँ एक बड़ी शिक्षण संस्था की भी ज़रूरत है। एग्जैक्ट, अभी पिछले दिनों जब पिछला जो टर्म बीजेपी हुकूमत का चल रहा था जी, तो यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी आए थे किशनगढ़ बास आसपास कहीं के इलाके में और इसी कहीं जगह पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की तजवीज़ की बात की थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देती है। अगर वो ऐसी जगह पे बनती है या मेवात में, जैसे हम हरियाणा मेवात में मांग चल रही है कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पूरा इलाका यहाँ से सैराब हो सकता है अगर यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बने तो। अगर यहाँ पर कोई बड़ा तालीमी इदारा कायम किया जाए या यूनिवर्सिटी कायम की जाए तो वो लोग बंदूक के सिपाही थे और यहाँ से हजारों की तादाद में कलम के सिपाही पैदा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम जब प्रोग्राम कवर करने के बाद हमें फिरोजपुर झिर के रास्ते से जाना था, लेकिन साथियों ने जो रास्ता तजवीज़ किया वो ये रास्ता है जो नौगावा होते हुए फिरोजपुर झिर हमको लेके जाएगा, लेकिन अब इस रास्ते से जाने के बाद मालूम हुआ कि ये वो तारीखी जगह है जहाँ से मेो कौम का और इसी तरीके से सन 47 से पहले के जो हादसा गुजरे हैं वो ये इलाका उन तमाम चीज़ों को गवाह है, उन तमाम चीज़ों को अपने तारीख के साथ उन्होंने उसको समेटा है इस पूरे इलाके ने और ख़ूबसूरत भी है। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा हरियाली कम है लेकिन जैसे जैसे बाहर का मौसम आता है तो ये पूरा इलाका जो है वो सरसब्ज़ और शादाब दिखाई देता है। आप भी जब कभी किशनगढ़ बास आएँ और तिजारा आना जाना हो तो ये जगह आप विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।